नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर। आज हम बात करेंगे 10 फरवरी की। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि 10 फरवरी को ऐसा क्या होना है, तो 10 फरवरी को पीएम मोदी उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही दिग्गज नेता उत्तराखंड में एक ही दिन जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी जनसभा से कितना फर्क उत्तराखंड की जनता को पड़ता है ये तो आगामी 10 मार्च बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी के अल्मोड़ा दौरे की बात कही जा रही है कि वो 10 फरवरी को अल्मोड़ा दौरा पर आ सकते हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। तो वहीं 10 फरवरी को राहुल गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उन दोनों पार्टियों के साथ ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में खूब कैंपेन करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले की जो विधानसभाएं हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो लगभग तराई की जो क्षेत्र हैं, चाहे देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इसमें 30 विधानसभाएं आती हैं। तो आम आदमी पार्टी की नज़र भी इन 30 विधानसभा सीटों पर है और यही वजह है कि वो मैदानी क्षेत्रों में खूब प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 10 फरवरी को दो बड़े दिग्गज नेता उत्तराखंड में होंगे और जनता के बीच अपनी बातें भी रखेंगे। लेकिन जनता उन दोनों नेताओं में से किसको ज़्यादा पसंद करती है वो आगामी 10 मार्च बताएगा। लेकिन इसके साथ ही भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक इन दिनों उत्तराखंड में हैं और लगातार अपनी रैलियां, लोगों से मिलने का कार्यक्रम लगातार जारी है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधानसभा सीटों में भी पीछे हो जाए और इसके साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना खाता उत्तराखंड में ना खोल ले। अब 10 मार्च ही बताएगा कि आखिरकार उत्तराखंड में किसको जनता पसंद करती है और किसको जनता बाहर का रास्ता दिखाती है। और भी महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।